के साथ मैं हूं शुभांकर। शुरुआत करेंगे अहम खबर से। दरअसल मेरठ में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक का उद्घाटन थोड़ी ही देर में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। इससे पहले पार्टी पदाधिकारियों की बैठक हुई। 2019 के लोकसभा चुनाव में जीत का मंत्र खोजने के लिए मेरठ में बीजेपी महामंथन कर रही है और उसमें पार्टी के दिग्गजों का जमावड़ा लग रहा है। सूत्रों की माने तो बैठक के दौरान महागठबंधन के खिलाफ नए फॉर्मूले पर चर्चा हो सकती है। सूत्रों की माने तो बीजेपी के इस नए फॉर्मूले में हर बूथ पर कम से कम 10 दलित और 10 पिछड़ों की सदस्यता को अनिवार्य किया जाएगा। सुभारती विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में आयोजित होने वाली बीजेपी की इस दो दिवसीय प्रदेश कार्य समिति की बैठक में केंद्र से लेकर राज्य के मंत्री, सांसद, विधायक और संगठन के जिलाध्यक्ष शिरकत करेंगे। आज सीएम योगी की मौजूदगी में गृह मंत्री राजनाथ सिंह कार्य समिति की बैठक का शुभारंभ करेंगे, जबकि कल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह भी बैठक में पहुंचेंगे और दोपहर के बाद मंत्री, सांसद और विधायकों के साथ लोकसभा चुनावों को लेकर मंथन का दौर चलेगा। चुनाव जीतने की रणनीति तैयार की जाएगी। पार्टी पदाधिकारियों की माने तो बैठक में बीजेपी के 690 जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। तो मेरठ में बीजेपी का मिशन 2019 को लेकर महामंथन होने वाला और यह माना जा रहा है कि क्रांति की भूमि से एक क्रांति की शुरुआत बीजेपी करेगी और इस क्रांति के पीछे जो मकसद है वो मकसद ये होगा कि महागठबंधन के सामने कुछ यू महामंथन किया जाए जिससे जो नतीजा निकले वो 2019 में क्रांति की ओर अग्रसर होता हो। वो क्रांति जो बीजेपी ने 2014 में पाई थी और उसी को लेकर अब बीजेपी अग्रसर है। जी मीडिया संवाददाता राजीव हमारे साथ जुड़े हैं मेरठ से। राजीव, अगर बात की जाए तो क्रांति की भूमि है और इस क्रांति की भूमि में महामंथन होने वाला है जिसके पिरोकर उस चीज को निकाला जाएगा जिससे महागठबंधन का काट निकले। कितनी देर में यह कार्यक्रम शुरू होने वाला है और क्या कुछ खास रहने वाला है, क्योंकि जब सभी बीजेपी के बड़े लोग यहां पहुंच रहे हैं। देखिए, लगभग 3:30 बजे जो है गृह मंत्री राजनाथ सिंह मेरठ आएंगे और उसके बाद 4 बजे जो है माता दीन परिसर में आकर के यहाँ पर 2 दिन की जो कार्यकारिणी है उसका शुभारंभ करेंगे। साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश अध्यक्ष जो है डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ये भी रहेंगे। इससे पहले आज जो पदाधिकारियों की जो बैठक हुई है सुबह, उसमें जैसा कि हमने सुबह भी जी मीडिया ने ब्रेक किया था कि जो बूथ लेवल पर है, बूथ लेवल पर 10 दलित और 10 OBC कार्यकर्ताओं की जो है सदस्यता जो है दिलाई जाएगी। ये एक तरीके से मैंडेटरी होगा और अब इसी पर चर्चा होगी आगे और सभी क्षेत्रों में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा। 2019 का जो रोड मैप है वो जाति समीकरण को साधते हुए दलितों और ओबीसी की जो राजनीति है उसको ध्यान में रखते हुए और जिस तरीके से महागठबंधन आने की बात है, बहुजन समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन बनने की एक कवायद चल रही है उसको काटने के लिए ये जाति समीकरण और इस एजेंडे पर अब दो दिन की जो कार्यकारिणी है उस पर पूरी चर्चा होगी। शुभांकर जी, इसके अलावा जानना हम ये भी चाहेंगे, क्योंकि ये महामंथन चल रहा है। अब इस महामंथन में इससे पहले जो हमने देखा था संघ का समागम, उसके बाद चुनाव हुए, उन चुनावों में नतीजे उस तरीके से पक्ष में नहीं आए। ये जाहिर सी बात आप बता रहे हैं कि 10-10 लोगों को वहां पर शामिल किया जाएगा, लेकिन कैसा उत्साह देख रहे हैं यहां पर आप बाकी लोगों में जब आप वहां मौजूद हैं या वहां जा रहे थे, क्या वो उत्साह कार्यकर्ताओं में भी नजर आ रहा है जो बदलाव की ओर अग्रसर करेगा और बीजेपी के लिए 19 में क्रांति ला सकता है? देखिए, 2014 से अगर हम इस बात को शुभांकर शुरू करें तो 2014 में नरेंद्र मोदी एक उभरते हुए नेता बन करके उभरे थे और तब परिवर्तन की लहर की बात चल रही थी और उस समय यूपीए के जो है तमाम घोटालों की बात चलती थी, तो वो उत्साह था और एक उत्साह जो कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा था और वो एक जो मोदी वेव की बात चली थी वो वेव थी और उसके बाद वो वेव कंटिन्यू रही और मोदी जी की जो पॉपुलैरिटी थी नरेंद्र मोदी की, वो पॉपुलैरिटी लगभग 2017 का विधानसभा का चुनाव था उसमें भी काफी हद तक देखने को मिली। लेकिन ये 2019 का जो लोकसभा का चुनाव है, इस वक्त जो बीजेपी की सरकार है केंद्र में, वो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर एक रहना ही रहना है, क्योंकि 4 साल की सरकार हो चुकी है और लगभग 1.5 साल की सरकार जो है उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यहाँ पर हो चुकी है। तो वो उत्साह, शायद उसी उत्साह को बनाने के लिए, उसी उत्साह को भरने के लिए कार्यकर्ताओं में ये कवायद है। इसीलिए
लिए पश्चिम यूपी का ये क्रांतिकारी जो क्षेत्र है मेरठ, जहाँ से तमाम क्रांतिकारी और जहाँ से क्रांति की जो स्वतंत्रता संग्राम की जो क्रांति की लड़ाई थी उसका बिगुल बजाया गया था, शायद इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने मेरठ को चुना है। और मेरठ में भी देखिए दोनों चीजें मैंने आज सुबह भी ये बात बता रही थी कि एक तीर से दो निशाने जिस तरीके से लगाने की कवायद है कि माता दीन परिसर इस नाम इस ऑडिटोरियम का नाम रखा गया है जहाँ पर ये कार्यकारिणी का शुभारंभ होगा। माता दीन परिसर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद थे जो पहले शहीद थे जो 1857 को जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था और साथ में वो वाल्मीकि है माता दीन वाल्मीकि, चूंकि दलित वोट बैंक पश्चिम उत्तर प्रदेश में बहुत मायने रखता है, दलित और मुस्लिम कॉम्बिनेशन जो है वो जो साथ आए हैं अब विपक्षी दल उसको भी तोड़ने की उसको भी भेदने की कोशिश ये जो वेन्यू है जो मेरठ है उसको करके जो भारतीय जनता पार्टी जिस स्ट्रेटजी के तहत चल रही है ऐसा लगता है कि जो पूरा जाति समीकरण इसीलिए शायद आज जो पदाधिकारियों की जो बैठक हुई है उसमें भी आपने देखा कि जिस तरीके से जो बूथ लेवल पे 10 ओबीसी और 10 दलितों को सदस्य बनाना एक तरीके से जरूरी होगा अनिवार्य होगा इस पर मुहर लगाई है आज सुबह जो बैठक हुई है और इसी चर्चा को इसी कार्यक्रम को आगे भी बढ़ाया जाएगा। और जो 6 क्षेत्र हैं इन सभी क्षेत्र में जो सेशंस होंगे उन सभी सेशंस में जो है इन क्षेत्र के अध्यक्ष और इन क्षेत्र के जो संगठन मंत्री हैं उनको इस पूरे कार्यक्रम की जानकारी दी जाएगी और किस तरीके से अब चल रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। हालांकि इसके जरिए वो जो नाराजगी थी संघ समागम के दौरान पोस्टर को लेकर वाल्मीकि समाज में उसको भी साधने की कोशिश है, एक तीर से तीन निशाना कह सकते हैं इस कार्यक्रम स्थल को लेकर।